नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। आइए बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए अखिलेश यादव 12 अप्रैल से मोर्चा संभालते हुए यूपी के पीलीभीत से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। 13 अप्रैल को सपा अध्यक्ष बिजनौर और नगीना की रैलियों में अपने विरोधियों के खिलाफ जमकर गरजेंगे। 14 अप्रैल को मुरादाबाद में भी उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अखिलेश यादव की हर चरण में एक संयुक्त रैली भी होगी। पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में है। यहां से सपा ने भगवत शरण गंगवार को मैदान में उतारा है। भाजपा ने यहां मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां जनसभा की। अब अखिलेश 12 अप्रैल को यहां पहुंचकर चुनावी पारे को और बढ़ाएंगे। बिजनौर में सपा प्रत्याशी दीपक सैनी व नगीना में मनोज कुमार के लिए 13 अप्रैल को अखिलेश चुनावी जनसभा करेंगे। 14 अप्रैल को मुरादाबाद में रुचि वीरा के समर्थन में जनसभा होगी। यहाँ पर मौजूदा सांसद डॉक्टर एस टी हसन का टिकट कटने से वे भी खफा है, उन्हें भी अखिलेश मनाएंगे। अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेता तक भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। विरोधी दलों और नतीजों पर झूठे आरोप लगाना उनका स्वभाव है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाकर जनता को भ्रमित करना ही भाजपा का उद्देश्य रहता है। 10 वर्ष की भाजपा सरकार ने जनता की समस्याओं पर कोई काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भाजपा के खिलाफ भारी असंतोष है। जगह जगह तमाम संगठन भाजपा को हराने और सत्ता से हटाने की कस्में खा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।